एक आया नहीं, सवाल ही खड़ा हो रहा है कि एक साथ इतनी बहनें हैं, बहन कहे कि हमको शेयर चाहिए, भाई में बहन का शेयर होता है तो कहाँ से शेयर, कितना दीजिएगा, हजारों की संख्या में, पूरा हजारों को, उतना शेयर जी जी बिल्कुल है, हम अकेले हैं, इसके पहले भी दे चुके हैं। वो आगे देखिए, यही यहाँ के बहन, यहाँ के सिखाओ तो नहीं, यही सब मांगो तो नहीं, सब मांगने को नहीं सिखाएंगे, लेकिन एक ये टीम गठित करें, जो मेरे दिमाग में आया था कि सुरक्षा बहन धावा टीम करके एक टीम बनाए, जिससे अगर कोई बहनों को कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई ऐसा मैसेज या लिंक या वैसा नंबर वगैरह जारी करे, जिससे किसी बहन को अगर आए दिन कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको इससे बचाया जा सके। मेरा नाम कंचन कुमारी है। कंचन, इतना अच्छा आयोजन हुआ, कभी सपनों में सोची थी कि एक साथ मुझे हजारों भाई मिलेंगे? हाँ, सोचे थे मिलेंगे, गर्व का बात है। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति सिंह। इतना भाई मिल गए ले खाली? हाँ। नमस्कार, रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और रक्षाबंधन को लेकर के वैसे तो अनेकों कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन आज एक अजूबा कार्यक्रम आयोजित हुआ है हथुआ की भूमि पर, हथुआ के नौजवानों के द्वारा। देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ एक बोर्ड लगा है, भाइयों बहनों के प्यार का अटूट प्रेम का राखी मिलन समारोह, होली मिलन समारोह या अन्य कई समारोहों को आप सभी देखते होंगे। होली मिलन समारोह तो अक्सर होते रहता है, लेकिन इस वर्ष हथुआ के नौजवानों ने एक अद्वितीय कार्य किया है, जो राखी मिलन समारोह है। राखी मिलन समारोह यहां आयोजित किया गया और इसमें हजारों की संख्या में भाई और बहन उपस्थित हैं, जो एक दूसरे की कलाई पे राखी बांध करके और उन्हें जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सर, आज आपके हथुआ की इस भूमि पे जो है इतना अच्छा आयोजन हुआ, अब तक इस प्रकार के आयोजन कहीं देखने को नहीं मिलता था। बहनें जो हैं भाइयों की कलाई पे सामूहिक रूप से राखी की डोर बांध रही हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो उत्कृष्ट कार्यक्रम जो किया जा रहा है, तो इसमें दो चीज़ छुपा हुआ है। एक तो भाई और बहनों के बीच में जो प्रेम है उसको दर्शाया जा रहा है, और हथुआ में जो थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है करप्शन, वो अजीब सा लगता है। तो मैं ये सोनू जी को चाहूँगा कि एक ये टीम गठित करे, जो मेरे दिमाग में आया था कि सुरक्षा बहन धावा टीम करके एक टीम बनाए, जिससे अगर कोई बहनों को कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई ऐसा मैसेज या लिंक या वैसा नंबर वगैरह जारी करे, जिससे किसी बहन को अगर आए दिन कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको इससे बचाया जा सके, क्योंकि हमारी धरती को अगर सबसे बड़ी लाज रखनी है तो बहनों की सुरक्षा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्या नाम है? ऋषभ तिवारी। ऋषभ तिवारी, वाह जी, बड़ा अच्छा आयोजन किए हैं आप। जी जी, भैया लोग किए हैं लोग। आप भैया नहीं है? नहीं भैया, भैया है, आप मेरे भैया हैं। नहीं नहीं, आप मेरे भैया, हमसे सीनियर ये भैया हैं। क्या नाम है आप? अमन कुमार। अमन, अब अमन का पैगाम दे रहे हैं आप लोग यहाँ से? यस सर। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतलब जैसे कि हमारी कितनी बहन सुरक्षित नहीं है, उन्हीं लोग का मतलब सुरक्षित करने के लिए हम लोग ये संगठन बनाए हैं लोग, मतलब मिलकर। क्या नाम है? आशिक कुमार। आशिक, हाँ। क्या कार्यक्रम कर दिया आप यहाँ? क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? कुछ भी तो, मतलब यही बहनों को प्यार मिल रहा है, एक साथ मतलब हजारों बहनों का प्यार मिल रहा है, और क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। काहे पीछे खड़ा है, माइक पर तो बड़ा गरज रहे थे। क्या नाम है? सानू। सानू कुमार, सानू गीत गाते हैं उसे, हथुआ के सानू। क्या इतना अच्छा आयोजन किए, कहाँ से प्रेरणा जगी? सोनू बाबा से प्रेरणा मिली। सोनू बाबा से, आइए। क्या नाम है? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता, पूरा भगवामय हो गए हैं आप। है सर, सनातनी है, भगवा में कहीं नहीं रहेंगे। तो ये कह रहे थे इतनी बहनें एक बार सामूहिक रूप से आपको राखी बांधेंगी, अगर बहन खड़ा हो जाए कहे कि हमको शेयर दीजिए तो दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सीधा साधा भाई मिल रहा है उसको, शेयर क्या चाहिए? एक भाई मिल रहा है सर। नहीं, बात काटिए नहीं, शेयर अगर भाई मिल रहा है, मैं उन्हें पूछिए भाई से बढ़ के कुछ चाहिए तो मैं दूं। तैयार हैं? तैयार हैं, एकदम तैयार हैं। क्या नाम है? ऋतुराज। ऋतुराज किसे कहते हैं? बसंत ऋतु जो अरे ऋतुराज बसंत ऋतु जो बोलते हैं। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस किसे कहते हैं? राजा को। राजा। सोनू बाबा लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों को अपने आयोजनों से आप एक अलग संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस बार एक अलग आयोजन आप कर दिए, जो हमको लगता है कि इस देश में एकलौता है जी। पहले तो अपने चैनल, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा
जो मैंने बहनों का रक्षा के लिए हम लोग का दिमाग में आया, एक आया नहीं, सवाल ही खड़ा हो रहा है कि एक साथ इतनी बहनें हैं, बहन कहे कि हमको शेयर चाहिए, भाई में बहन का शेयर होता है तो कहाँ से शेयर, कितना दीजिएगा, हजारों की संख्या में पूरा हजारों को उतना शेयर जी जी बिल्कुल है, हम अकेले इसके पहले भी दे चुके हैं, जमीनों में शेयर मांगे जी, जमीनों में घरवा में सब में सब में, भौजाई कहे जब भौजाई को लेके जाएंगे तो दीजिएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल। तो रोने लगिएगा आप, नहीं रोएंगे। क्या नाम है? अंकित सिंह। अंकित बाबू शेयर मांग रही हैं बहने राखी बांधने के बाद, तो क्यों नहीं देंगे, अगर जो भाई से बढ़ के बहन को कुछ चाहिए और कुछ तो चलिए दे रहे हैं, जमीन मांग रही है आपसे तो क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। क्या नाम है आपका? पवन मल्होत्रा। पवन मल्होत्रा, आप तो जमीन मांगा तारी से शेयर में, दिया जाएगा, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, देने में क्या बात है, जो कि उनको भाई मान रही है। और क्या कहिएगा, शेयर देने के लिए भी तैयार हैं। अरे ये सब छोड़िए, आपके चैनल से एक मैसेज पहुंचाना था लोगों तक कि जो लोग जितने भी हतुआ कोचिंग थे, हमने सबको इनवाइट किया बट सारे कोचिंग के सारे बच्चे नहीं आए, इस चीज़ से हमें बहुत बुरा लगा, हमें संगठन है लेकिन हम उस चीज़ को एकत्रित नहीं कर, लोगों से बात हुई थी, सबसे बात हुई थी और सबको हमने कल जाके इन्वाइट भी किया था, बट इस चीज़ का मुझे दुख लगा है सर कि सारे कोचिंग के सारे बच्चे नहीं आए, हमें उम्मीद थी कि, और सबसे बड़ी बात ये कि इस मैरिज हॉल के इनको तो मतलब पूछिए मत, इनको एक बार कहने पे इन्होंने कहा ठीक है आप आइए हम अपना मैरिज आपको देते हैं, इस चीज़ का दुख लगा मुझे कि सारे बच्चे और मेरी बहनें मेरे भाई नहीं आए, हम चाहते हैं हम संगठन बनाएं, एक हिंदू राष्ट्र की तरह हम काम करें, बस हिंदू राष्ट्र लाएं। क्या नाम है बेटी? संध्या कुमारी। संध्या, वही तो संध्या हुआ नहीं, और तू रक्षाबंधन लेकर के राखी उफी लेकर के आ गई हो, भाई लोगों को कलाई पर राखी बांधी हो, क्या मांग रही हो भाइयों से? कुछ नहीं, बस उनका साया ही काफी है हमारे लिए। साया काफी। आपका क्या नाम है? अच्छा है, काफी। क्या कहोगी, कभी ऐसा सुनी थी तू? कार्यक्रम को आगे बढ़ाया? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना था। क्या नाम है बेटी? दीप्ति कुमारी। नीमा कुमारी, क्या ऐसा कभी हुआ था कहीं? नहीं, अभी तो नहीं हुआ था, पर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। चंदनम बंदते नित्यम पवित्र आपका हक, थोड़ा सा आप पीछे हट जाइए ना, बच्चियां और हैं इस रक्षाबंधन समारोह में, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटी? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी, कहाँ आई हो? रक्षाबंधन। कैसा लग रहा है आज पहली बार तू लोगों को एक साथ इतने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने का मौका मिला? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश जाएगा इससे? तुम्हारा क्या नाम है? नीभा कुमारी। कहाँ आई हो? रक्षाबंधन के त्योहार। अच्छा लग रहा है। तुम्हारा? अंजलि कुमारी। अंजलि, इतना अच्छा आयोजन कभी देखी थी तू? नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। होना चाहिए। यस। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? निशा कुमारी। निशा, इतना अच्छा आयोजन कभी देखी हो कि नहीं? नहीं देखे, आज देख रहे हैं। बहुत एक साथ तुमको इतने ज्यादा भाई मिले हैं? बहुत ज्यादा मिले हैं भाई बहन। अच्छा लग रहा है। भाई लोगों से हिस्सा मांगोगी ना? बहुत मांगूंगी। क्या क्या मांगोगी? बहुत ज्यादा मांगूंगी। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? निशा कुमारी। निशा, एक साथ तहरा इतना भाई मिलल वाला, वो लोग से हिस्सा मांगबो न? मुझे हिस्सा उसका कुछ भी नहीं चाहिए, उन लोगों का साथ चाहिए, उन लोगों का प्यार चाहिए, और हमें साथ दे, और हमें कुछ भी हो को मुझे
अपने मतलब मेरे ख्याल रखे सब भाई बहन भाई से हिस्सा मांगे लिए नहीं हम लोग हिस्सा नहीं चाहिए यही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यही होना चाहिए यस बिल्कुल होना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मेरा नाम कंचन कुमारी है। कंचन इतना अच्छा आयोजन हुआ, कभी सपनों में सोची थी कि एक साथ मुझे हजारों भाई मिलेंगे? हाँ सोचे थे मिलेंगे, गर्व का बात है। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति सिंह। इतना भाई मिल गए ले खाली। हाँ, हाँ। शिक्षक हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? जी गुड़िया देवी। गुड़िया जी, एक साथ इतने भाई मिले हैं इन बच्चियों को, कैसा लग रहा है इस प्रकार के आयोजन? बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, अगर आज से आज तक होना चाहिए। कुछ लड़कियां बहुत तारीफ है, राखी बनले बानी सन हिस्सा मांगे से बोलो दूसर का लिखवा ले लो ना सर, इसका कोई लिमिट नहीं होता है कि क्या हक मिलना चाहिए भाई। बहुत तारीफ है, चलिए अपना एंजॉय करने के लिए कहती हूं। बहुत अच्छा आयोजन है, इस प्रकार से आयोजन हमेशा होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हिस्से की बात हम लोग ऐसे मजे मजे में कर रहे हैं हंसने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा जी, इतना अच्छा आयोजन हुआ, कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी भाई बहने आ रहे हैं लोग राखी, मतलब राखी का त्योहार मनाने, और सभी को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी। राखी बन लू हो? ना। का है अब बनबू? यस। क्या नाम है? सलोनी सिंह। सलोनी, इतना भाई मिला एक बार में तुमको, देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई खड़े हैं, क्या मांगोगी रक्षा बांधने के उपलक्ष्य में? बस उन लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों का साथ चाहिए। हिस्सा मांगो सो हिस्सा? नहीं, हिस्सा नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उन लोगों का साथ चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? गोल्डी तिवारी। गोल्डी, इतना भाई मिलल बड़े, राखी बन लू, का मंग लू? कुछ नहीं, उनको हर जगह में मुझे साथ चाहिए, बस और कुछ, और कुछ नहीं। इतना भाई मिलले बहिनन के खाली हजारों के संख्या में, का कहब रउआ? बहुत अच्छा हमको लगा, हम सबको पहले ही से हम अपने बहन के दर्जा देते आ रहे हैं, ठीक है ना। हम कोचिंग पढ़ाते हैं स्पेशलिस्ट, बाकी हम अपने कोचिंग में और जहां भी जाते हैं वहां हम लड़कियों को इतना मोटिवेशन करते हैं, तो वो मैंने वो आगे देखिए यहाँ के बहन यहाँ के सिखाओ तीन हिस्सा मांगो तो हिस्सा मांगने को नहीं सिखाएंगे, लेकिन भाई बहन का प्रेम है तो कुछ बढ़ा रहा है, देना ही चाहिए। इस रक्षाबंधन मिलन समारोह में किड्स कैंपस प्ले स्कूल हथुआ के बच्चे भी आए हैं, इन बच्चों से भी बात करेंगे। हाई बंद करेंगे साउंड, बाजवा बंद करेंगे। इस रक्षाबंधन मिलन समारोह में किड्स कैंपस प्ले स्कूल हथुआ के बच्चे भी हैं, इन बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? दीपक। तुम्हारा क्या नाम है? पंजाब ठाकुर। कहाँ आई बड़ा राखी बनाई लो? ना।